नमस्कार दोस्तों, दोस्तों करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ELP टेक्नीशियन जो 2024 में वैकेंसी आई है उसी का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर है दाब। दाब को हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं। ठीक, यूथ पब्लिकेशन से क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर रेलवे द्वारा पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि दबाव को डॉट डॉट से मापा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, दबाव को डॉट डॉट से मापा जाता है। दबाव को हम लोग दाब भी समझते हैं। क्या समझते हैं दोस्तों? तो दबाव को हम लोग दाब समझते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर जो होता है बल ओवर बटा क्षेत्रफल होता है। बल बटा क्या होता है आपका दोस्तों? तो क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि जो दाब हमारा क्या क्या चीज़ पर निर्भर करेगा, एक बल पर निर्भर करेगा, दूसरा क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। यानी बल और क्षेत्रफल के माध्यम से हम कर सकते हैं तो दाब को या दबाव को माप सकते हैं। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अर्थात दबाव यानी दाब को क्या चीज़ से मापा जा सकता है? तो हम बल और क्षेत्रफल के माध्यम से क्या कर सकते हैं? दाब को माप सकते हैं। चलिए मेरा सी नंबर क्या हो गया? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? तो दाब बराबर फॉर्मूला क्या लिखे थे? दाब बराबर जो होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होगा? बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है क्षेत्रफल कम है, तो दाब में देखेंगे और क्षेत्रफल में देखेंगे। तो देखिए दाब और क्षेत्रफल जो है व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के। अर्थात क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो दाब कम होगा, और क्षेत्रफल जब कम होगा तो दाब क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ पे तो क्षेत्रफल कम हो रहा है, तो क्षेत्रफल जब कम होगा तो मेरा दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन सी में देखिए दिया हुआ है अधिक होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा सी हो जाएगा, अधिक होता है। यानी किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल मेरा कम होगा तो दाब क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दाब का बीमा क्या है? यानी कि क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से दाब का बीमा क्या है? तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ठीक, बल बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ठीक, देखिए तो बल का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर। एरिया का क्या हो जाएगा? तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो नीचे है मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन हम निकालेंगे सबका वैल्यू, तो ऑप्शन मेरा बी क्या हो जाएगा? सही आंसर। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक, बी नंबर ऑप्शन को। दाब का जो बीमा होता है एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, बहुत VVI क्वेश्चन है आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब को डॉट डॉट के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। देखिए तो बल को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट भी बोलते हैं, परिणोत भी बोलते हैं, अवक्षेप भी बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है परिणोत थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल कहने का अर्थ हुआ आपका बट्टा में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा। दाब को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दाब को परिणोत प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में हम परिभाषित करते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। बल को हम लोग थ्रस्ट परिणोत या अवक्षेप भी बोलते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मेरा डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, तो इसके दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल का है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं तो दाब क्या होगा? तो दाब बराबर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। बल बटा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्र को हम बढ़ा रहे हैं, तो जब बढ़ाएंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये बढ़ेगा, तो दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन सी में क्या है? कम हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब और क्षेत्रफल क्या होता है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है
तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा। देखिए यहाँ पे दाब बराबर मूल बटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तरल दे रहा है, पानी दे रहा है, तो क्या हो रहा है, पानी के अंतरम गहराई को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि क्या हो जाएगा, रो जी एच। रो क्या है यहाँ पे, घनत्व है पानी का, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एच ऊंचाई है, अब पी प्रेशर है। देखिए तो यहाँ पे मुक्त सतह से गहराई को बढ़ा रहा है तो दाब पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए ये दोनों में क्या है, यानी कि यहाँ पे दाब में और हाइट में गहराई बढ़ेगा यानी कि हाइट बढ़ेगा। तो देखिए एक दूसरे का सीधा रिलेशन है, यानी कि पी समानुपाती होगा एच के, यानी कि एच बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा तो एच भी बढ़ेगा, अर्थात गहराई जब बढ़ेगा तो दाब भी क्या होगा, तो दाब भी मेरा बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, यानी कि मुक्त सतह से हम गहराई बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि दाब भी बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, पी बराबर रो जी एच। रो क्या है, घनत्व है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है, ऊंचाई है, और पी जो है प्रेशर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही एक तरल सतह से मुक्त सतह गहराई को कम किया होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा। ठीक, तो वहीं से पी बराबर क्या हो जाएगा, रो जी एच। अब यहाँ पे क्या, पहले क्वेश्चन में था ऊंचाई बढ़ा रहा था, यहाँ पे क्या है, यानी कि गहराई कम कर रहा है, यानी कि ऊंचाई को कम कर रहा है, तो जब कम करेगा तो क्या हो जाएगा, दाब भी कम हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 नंबर है, इसमें डॉट डॉट में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो यहाँ पे दाब बराबर क्या हो जाएगा, दबाव अर्थात दाब, तो बल बटा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि डॉट डॉट के वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में अर्थात दाब में कमी आती है। जब हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तभी ना मेरा दबाव कम होगा। ठीक, यानी कि क्षेत्रफल को बी नंबर में देखिए, क्षेत्रफल दिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा दबाव में कमी आएगा। तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को कहा क्या कहा जाता है। तो थ्रस्ट यानी कि बल, बल बटा क्षेत्रफल, इसी को हम क्या कहते हैं, तो थ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसी को थ्रस्ट भी बोलते हैं, इसको प्रणोद भी बोलते हैं, इसको उत्क्षेप भी बोलते हैं। तो ये क्या फॉर्मूला है, ये दाब का फॉर्मूला है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल मेरा दाब का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब बराबर डॉट डॉट, यानी कि दाब बराबर क्या होता है। तो दाब बराबर हो जाता है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, या बल बटा क्षेत्रफल, या थ्रस्ट बटा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दाब बराबर क्या होता है, उत्क्षेप बराबर बटा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब डॉट डॉट होता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के अंदर जो केबिन होता है, केबिन के का दाब क्या होता है। तो देखिए, तो जो केबिन का जो अंदर का दाब जो होता है बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। तो क्या ऑप्शन सी, सी में दिया है बाहर की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, बाहर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो दाब को क्या चीज़ से परिभाषित करेंगे, बल बटा क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।